डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने सड़क दुर्घटना में होने वाले घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार कराने हाईवे पेट्रोलिंग टीम को फास्ट एड बॉक्स प्रदान किए हैं। अंजोरा बाईपास से कुम्हारी टोल प्लाजा तक 40 किलोमीटर के क्षेत्र में चार हाईवे पेट्रोलिंग 24 घंटे तैनात रहती है। ट्रैफिक कंट्रोल टावर में यातायात पुलिस के डीएसपी सतीश ठाकुर ने चार हाईवे पेट्रोलिंग टीम को फास्ट एड बॉक्स वितरण किया। इस वर्ष हाईवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा 250 से अधिक लोगों को तत्काल प्राथमिक उपचार एवं गोल्डन आवर में नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एवं डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नेशनल हाईवे 53 में सड़क दुर्घटना के दौरान घायल की मदद करने, सड़क जाम क्लियर करने, सड़कों से मवेशी हटाने, गंभीर मरीज को तत्काल दूसरे अस्पताल ले जाने एवं अंजोरा बाईपास से कुमारी टोल प्लाजा तक इस 40 किलोमीटर की दूरी पर चार हाईवे पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने जवानों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी को बधाई दी है और आगे भी लगन और मेहनत के साथ ईमानदारी से कार्य करने निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए सभी को फास्ट एड बॉक्स का वितरण किया। इसकी जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। कुमारी से अंजोरा तक 40 किलोमीटर चार हाईवे पेट्रोलिंग 10-10 किलोमीटर में संचालित है, जो लगातार 24/7 ये पेट्रोलिंग करती है। लगभग पिछले 5 सालों से लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जो भी व्यक्ति सड़क में घायल होते हैं या फिर गंभीर चोट पहुँचती है उनको, उनका प्राथमिक उपचार भी करते हैं। आज सभी हाईवे पेट्रोलिंग को यातायात पुलिस के द्वारा फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराया गया है, जिसमें बैंडेज है, टिंचर आयोडीन है और जो फर्स्ट एड में आवश्यक सामग्री होना चाहिए सभी मेडिसिन है वो भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति घायल होता है सड़क में तो उसका तत्काल उपचार कर सके, उसको नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा सके। और लगभग अभी पिछले 5 सालों से लगभग 250 से अधिक लोगों को, जो घायल व्यक्ति हुए हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया भी गया है और सभी को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया है किस प्रकार लोगों को प्राथमिक उपचार करना है, उसका भी ट्रेनिंग दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो हाईवे पेट्रोलिंग चल रहा है उससे काफ़ी लोगों को फायदा भी पहुँच रहा है और लोग काफ़ी हद तक मदद भी मिल पा रही है। लगभग ये जो वाहन है 7 सालों से लगातार संचालित है और लगातार इसका हम लोग मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। यदि गाड़ी ख़राब होती है तो पुलिस लाइन से दूसरा वाहन भी उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हाईवे पेट्रोलिंग के जो इमरजेंसी व्हीकल है हर प्रकार से सुरक्षा उपकरण से इसमें उपलब्ध है, तो सभी गाड़ियां चालू हालत में रहें। यदि कोई ख़राब होता है तो उसको हम लोग तत्काल ठीक कराते हैं, उसके बदले में दूसरी गाड़ियाँ भी हम लोग को शीघ्र उपलब्ध हो जाती हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष अभी तक हाईवे पेट्रोलिंग टीम के जवानों द्वारा 256 लोगों की मदद की गई है, जिसमें से 45 ऐसे भी घायल व्यक्ति हैं जिनको समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई है। हाईवे पेट्रोलिंग टीम हाईवे में लगातार पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग टीम द्वारा अब तक अनेकों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।